नमस्ते, मैं जानवी झा, माइंड हिप्नोटिज्म चैनल झांसी से। हमेशा खुश रहिए, अपने में मस्त रहिए। हम क्या करते हैं, हमारा बगल वाला क्या कर रहा है, हमें किस तरीके से टॉर्चर कर रहा है, ये हमारी थॉट है। क्या पता वो अपने मस्त में मस्ती कर रहा हो, लेकिन हम उसको देख के इरिटेट होते हैं। पहले हमेशा हमें जानना चाहिए कि हम खुश क्यों नहीं हैं। जब हम उसको जानेंगे कि हम खुश क्यों नहीं है, तब पता चलेगा और तब जाके हम असली खुशी पा पाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि वो पहले हम कहते हैं कि नहीं, मैं खुश क्यों नहीं हूँ, खुश क्यों नहीं हूँ, ये जानेंगे तभी जान पाएंगे। हम सोचते हैं कई बार, मैं खुश क्यों नहीं हूँ, किसी ने मुझे इरिटेट किया, किसी ने मुझे कुछ कह दिया। अरे, जब हम खुद अपने से दुखी हैं, अपने आप से प्यार नहीं करते, या अपनी कोई चीज़ है जो हम चाहते हैं वो मिल नहीं पा रहा, तभी हम इरिटेट होते हैं और फिर हम गुस्सा होते हैं और फिर हम खुश नहीं होते, दुखी में रहते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। रीज़न मैंने कहा, सबसे पहले जानना चाहिए क्या हमारे जो हम चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन सामने वाले ने वैसा काम नहीं किया, तब हम हो रहे हैं। हमें वो चीज़ चाहिए और हमें मिल नहीं पा रहा, या हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए, या हमारे जेब में वो पैसा नहीं उतना कि हम वो बाई कर सके, तब होता है। या हमारी मनपसंद चीज़ जो, या हम क्लास में कोई चीज़ है जो हम रैंक आना चाहते हैं या कुछ, वो हमें नहीं मिल पाता, तब हम होते हैं। बच्चे भी इसीलिए इरिटेट, आपने देखा होगा, दांत पीसते कि मुझे ये, क्योंकि हम उसको वो नहीं, वहाँ तक नहीं जा पाता, या हम वो पहुँच भी तो जाता है, हम ले लेते हैं, तब वो गुस्सा होता है। एंगर यानी उसके अंदर होता है। एंगर को हटाएंगे तभी खुश रह पाएंगे। लेकिन हटाने का भी हटाए कैसे जाए, ये सबसे बड़ी बात है। हटाने के लिए सबसे पहले खुद को जानना है, खुद को जानिए कि आप खुद गुस्से किस चीज़ से खुश होते हैं, क्योंकि दूसरा तो टॉर्चर करता है। पहले अपने आप से खुश रहना सीखिए। दूसरी चीज़, हमेशा अपने अंदर गुण देखो कि हम क्या हैं। अगर आपको उसके किसी चीज़ से, कि उसकी साड़ी कैसे सफ़ेद है या उसका शर्ट क्यों सफ़ेद है, तो आप जो पहने हैं उस कलर से प्यार कर लीजिए, तो देखिए उसकी क्यों है, ये सवाल ही हट जाएगा। ये आ जाएगा कि मैंने ये ड्रेस जो पहना है उससे मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ या लग रही हूँ, ये आ जाएगा। दूसरा, हमें वो क्यों नहीं मिला, क्या पता, ये चीज़ हम सोचते हैं क्यों नहीं मिला, तो सोचो क्या पता वो चीज़ अभी आपके लिए नहीं बना। जिस तरह से एक बच्चे को 1 लाख रुपए दे दो, वो क्या करेगा, सब टॉफ़ी खरीद लेगा, तो उस टॉफ़ी खरीद के क्या होगा, या फालतू का उड़ा देगा, इसको देगा उसको देगा। जब समय आएगा 1 लाख रुपये उसके पास जब चाहिए होगा तब नहीं मिलेगा। यानी समय से पहले उसको 1 लाख रुपए मिल गया तो उसने, उसको पता नहीं कैसे यूज़ करते हैं। इसीलिए ये सोचिए कि हाँ, मुझे वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया, क्या मैं उस शायद उस लायक नहीं, या अभी वो टाइम नहीं आया, ये सोच के खुश हो जाइए। ये सोचिए कि हाँ, मैं जिस जगह जाना चाहता था वो व्यक्ति उस जगह पर पहुँच गया, तो ये देखो वो व्यक्ति पहुँच गया, क्या वो इतना सुखी है जिस जगह वो गया है, क्योंकि हम अपने टारगेट तक पहुंचते पहुंचते अपने आप को मिटा देते हैं। आपने देखा रिले रेस में दौड़ते हैं, वो दम लगा के दौड़ते हैं और एकदम एंड में जाके, रनिंग करते हुए एकदम एंड में जाके वो नीचे पड़ जाते हैं। इसी तरह हम अपने टारगेट को वहां तक पहुंचते पहुंचते हम कई बार अपने आप को खो देते हैं। पहुँच तो जाते हैं लेकिन खो देते हैं, उस चीज़ को हम इंजॉय नहीं कर पाते। यही चीज़ है, क्योंकि देखिए इंसान को रहने के लिए थोड़ा सा जगह चाहिए, थोड़ा सा खाने को, थोड़ा सा पीने को, थोड़ा रहने के लिए। हम चाहेंगे कि हमें बहुत चाहिए, ये देखो आज हम खा पा रहे कि नहीं खा पा रहे। खाने के लिए आज है हमारे पास, इसी में खुश हो लीजिए। ज़रूरी नहीं कि हाँ, हमें आज ही मटर की सब्ज़ी चाहिए, कल खा लेंगे मटर की सब्ज़ी, लेकिन आज खा इतना तो खा रहे कि पेट भर सके। ये चीज़ हमेशा हमेशा हमें रिमेम्बर रखना है, रखेंगे तो हम बहुत खुश रहेंगे। छोटी छोटी बातें हैं, उसमें पॉजिटिव चीज़ निकालिए तो खुश रहेंगे।
दूसरा से कोई दूसरा हमें इरिटेट नहीं करता, हम अपने आप से इरिटेट होते हैं तब इरिटेशन आता है हमारे अंदर। कोशिश करिए जिससे हम गुस्सा है उस चीज़ में खुशियाँ ढूंढिए। अगर मेरी बात आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स से कमेंट जो करना। धन्यवाद।